हेलो, जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं ये लौकी की बर्फी। देखिए फ्रेंड्स, कितनी खूबसूरत लग रही है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एवं शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स, इसके लिए हमने लिया है, ये लौकी ली है और इसके अंदर से हमने ये बीज इसके निकाल दिए हैं। इसको छीलकर और अंदर से बीज निकाल लिए हैं। अब इसको छीलकर हम कद्दूकस से कस लेंगे। इसके सारे बीज निकाल देंगे हम। अब हम इसको कद्दूकस से घिस लेंगे। अब इसको घिसने के बाद देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सामान है, ये घिसी हुई लौकी, ये खोया, ये 250 ग्राम चीनी, आधा किलो लौकी है तो 250 ग्राम चीनी, ये नारियल का पाउडर, ये इलायची पाउडर और ये काजू और बादाम कटे हुए। अब हम एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। उसके बाद घी हल्का सा गर्म हो जाए तो हम इसमें लौकी डाल देंगे। और इसको चलाएंगे अच्छे से ताकि ये नीचे लग ना जाए। इसे चलाते रहेंगे। इसे लगातार चलाते रहेंगे फ्रेंड्स। थोड़ी देर बाद ये पानी छोड़ना शुरू करेगी। अब लौकी से थोड़ा थोड़ा पानी निकलना शुरू हुआ है। अब हम इसको लो फ्लेम पर ढके देंगे और ढकने के बाद इसे थोड़ी देर बाद फिर चलाएंगे। इसे बीच बीच में ढकते रहेंगे और बार बार इसे चलाते रहेंगे। अब इसका पानी बिल्कुल सूख चुका है देखिए, और ये लौकी का रंग भी थोड़ा बदलना शुरू हुआ है, ये गल भी चुकी है। अब इसमें हम खोया डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, ये खोया जो है हमने घर के दूध से बनाया है, गाय का दूध है, इसलिए इस पर हल्का पीलापन आया है। इसे चलाते रहेंगे। अब इसे ढककर नहीं रखना है, अब इसे लगातार चलाते रहेंगे हम। और जब ये थोड़ा गाढ़ा होने लगे तो इसमें हम शुगर डालेंगे। देखिए ये काफ़ी टाइट हो गया है, अच्छे से घुमाएंगे, अच्छे से इसको मिक्स करना है।
अब इसमें शुगर डालेंगे। और इसे लगातार हम चलाते रहेंगे। चीनी ने अब पानी छोड़ दिया है और ये हम इसमें नारियल पाउडर डालेंगे। पानी छोड़ने के बाद ये देखिए मिश्रण काफ़ी पतला हो गया है, इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। लगातार हम किनारों से हटाते रहेंगे इसको और चलाते रहेंगे। जब तक ये तैयार हो, और जब हम इस एक थाली में घी लगाकर उसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। किनारों पर भी लगाना है ताकि किनारे ना चिपके। ये मिक्सचर जो है अब टाइट होने लगा है, तो हम इसको जब तक चलाते रहेंगे जब तक ये कढ़ाई नहीं छोड़ देता। जब मिश्रण कढ़ाई छोड़ने लगे तो हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए अभी काफ़ी टाइट हो चुका है। अब हम इसको गैस को बंद करेंगे और थोड़ी देर कढ़ाई में इसको लगातार चलाएंगे। और ये इलायची पाउडर डाल दिया हमने, इसको हम लगातार चलाएंगे। कढ़ाई गर्म है इसलिए ये मिश्रण अभी और थोड़ा टाइट होगा। देखिए फ्रेंड्स ये अब बिल्कुल तैयार है। हम इसको थाली में फैलाएंगे। अब हम इसको ऊपर से गार्निश करेंगे और हमें फ्रिज में नहीं रखना है, हम इसको रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा करेंगे और जब तक ये जमे नहीं इसको हम रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स अब हमारी मिठाई तैयार है। अब हम इसकी पीस अपने हिसाब से मनपसंद आकार में काटेंगे। देखिए ये कितनी अच्छी बनी है, एकदम
परफेक्ट। अब हमारी लौकी की बर्फी तैयार है। थैंक यू फ्रेंड्स।